जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अविनाश निराला सदैव आप लोगों के हित में वीडियो बनाता रहा हूं। और हमारी कोशिश हमेशा से ही रहती है पढ़ाने से ज़्यादा आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाए, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ताकि जिसकी इच्छा ना भी हो समझने की, पढ़ने की, वो भी पढ़े और आगे बढ़े। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत देश में क्या सभी परिवार में शिक्षित व्यक्ति हैं, हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं। आपने ये अक्सर सुना होगा कि आईएएस का बच्चा आईएएस बनता है, ये आम बात है। और आपने ये भी सुना होगा कि एक रिक्शा चलाने वाले का, एक रिक्शा चालक का बच्चा भी कभी कभी आईएएस बनता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ज़्यादा बनते हैं कि कम बनते हैं? रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जो आईएएस बनता है, अफसर बनता है, ज़्यादा मात्रा में कि कम मात्रा में? तो आपका आंसर होगा कम मात्रा में। ऐसा क्यों है? अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। आप हमें ये बताइए, सर्वे करके आप देखेंगे अगर कि आईएएस का बच्चा, अफसर का बच्चा, अफसर अधिक मात्रा में बनते हैं, लेकिन एक गरीब का बच्चा अफसर बहुत कम मात्रा में बनते हैं, क्यों? तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि उनको गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, उनको कोई समझाने वाला नहीं मिल पाता है। स्ट्रेटजी कैसे बनाया जाए, पढ़ा कैसे जाए, याद कैसे किया जाए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये देर आर सो मैनी क्वेश्चन अराइजेज इन द माइंड। इसका आंसर देने वाला उनको नहीं मिलता है, इसीलिए उनकी संख्या कम है। आज मैं यही सब मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूँ और इसी पर आज चर्चा करूँगा कि आप भी उस कैटेगरी में जा सकते हैं जिसको मुश्किल कहा जा सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं कहा जा सकता, अगर आपके अंदर हौसला है। अगर हौसला नहीं भी है, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लिए, तो ये जान लीजिए किस्मत आपकी बदल जाएगी, इस बात की गारंटी है। और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो कमेंट गालियों से भर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। अभी हमने कहा था ना कि एक गरीब का बच्चा अफसर क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको गाइडेंस करने वाला कोई नहीं होता है, तो स्ट्रेटजी बताने वाला कोई नहीं होता। आज मैं वही आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चा क्लास 11th में जाता है, 12th में जाता है, तो उसको किसी न किसी सब्जेक्ट से नफरत सी रहती है। अब हो सकता है फिजिक्स से नफरत हो सकता है केमिस्ट्री से नफरत हो सकता है मैथ से नफरत हो। ऐसे बहुत कम बच्चे आपको मिलेंगे जिनको हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो और टॉपर हो। आप बताइए हाँ या ना? हाँ। अब इसके पीछे का रीज़न जानते हैं क्या है, कि आखिर ऐसा क्या रीज़न होता है कि बच्चा हायर क्लास में ही उस सब्जेक्ट से भयंकर नफरत क्यों करने लगता है? आपको बताऊँ, मैं 2013 से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और अक्सर मुझे, हमारा किस्मत चाहे कहिए या भगवान का कुछ ऐसा इत्तिफाक रहता है, कि अक्सर हमारा स्थान परिवर्तन होता रहता है और नए नए जगह पढ़ाने का अवसर मिलता है और नए बच्चों से मुलाकात होती रहती है। तो अक्सर मुझे जो माहौल दिखता है कि ज़्यादातर बच्चे केमिस्ट्री से नफरत करते हैं। अब जैसे मैं अगर एक जगह टिक कर पढ़ाऊँ तो हो सकता है वहाँ का माहौल सुधार सकूँ, लेकिन अब ये चाहे जो आप कह सकते हैं, इत्तेफाक है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ऑलरेडी जो है केमिस्ट्री के प्रति नफरत सी रहती है बच्चों में। मैं पूछता हूँ क्यों, तो बच्चे सिर्फ इतना कहते हैं, सर डर लगता है केमिस्ट्री से या फिजिक्स से या मैथ से। भाई एक ही सब्जेक्ट क्यों लिया जाए? अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से सभी का अलग अलग सब्जेक्ट में पकड़ होती है, नफरत होती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? किस्मत आपको तीन मौके देती है जिसमें आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, जिससे जो आपका सबसे नफरत वाला सब्जेक्ट है उसमें भी इंटरेस्ट जाग सकता है। आज मैं उन्हीं तीन मौकों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। प्यारे बच्चों, आपका जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है उसमें दो सब्जेक्ट मेन हैं, साइंस और मैथ। अब आप कहेंगे, सर आपको कैसे पता? आप हमें इतना बताइए, आप लोग कोचिंग पढ़ते हैं,
तो किस सब्जेक्ट का कोचिंग लगवाते हैं, क्या हिंदी का कोचिंग लगवाते हैं नहीं लगवाते हैं, क्या सामाजिक विज्ञान SST का कोचिंग लगवाते हैं नहीं लगवाते हैं, ज़्यादातर कोचिंगें किसकी लगवाते हैं आप, साइंस की लगवाते हैं, मैथ की लगवाते हैं, लगवाते हैं नहीं लगवाते हैं, क्यों लगवाते हैं? अगर आप खुद से पढ़ लेते तो कोचिंग जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वीकनेस है, ये एक कड़वा सत्य ही है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। किस्मत आपको 3 मौके देती है। आज मैं मुद्दा उठाया हूँ साइंस का, क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूँ, इसकी बारीकियों को अच्छे से समझता हूँ और बच्चों के अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट आ सकता है इसका स्ट्रेटजी भी अपने पास है, इसकी प्लानिंग भी अपने पास है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो ये जान लीजिए आपकी सारी वीकनेस धीरे धीरे मैं समाप्त करने की कोशिश करूँगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन जो काम ईश्वर मुझे सौंपा है एक अध्यापक के रूप में, वो काम मैं एक मिसाल के रूप में करना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, साइंस सब्जेक्ट जो है इसके कई ब्रांच हैं, इसके सारे ब्रांच का डिस्कशन इतने 60 में नहीं हो सकता है, लेकिन जो इसका 3 मेजर ब्रांच है, जो आप 9th से लेकर 11th में, 6th से लेकर 12th तक जो पढ़ते हैं, वो सब यहाँ पे हमने समराइज किया हुआ है। साइंस के 3 ब्रांच हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे सर जो बता रहे हैं पता नहीं क्या बता रहे हैं, मैं पहले से ही जानता हूँ। बस यही एक कमी है आपके अंदर, जो आप ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ सब कुछ। भाई आप सर्वज्ञानी नहीं हैं और ना ही मैं सर्वज्ञानी हूँ। इस संसार में कोई परिपक्व नहीं है, हर इंसान सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। बस यही लर्निंग के आदत को आप बनाए रखिए और इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन लाइए, आप धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर होते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, साइंस के जो 3 मेजर पार्ट हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप 6 में जाते हैं तो आप हमें बताइए क्या बहुत सारे चैप्टर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? 18-20 लेसन रहते हैं 6 में, ऐसे ही 7th में भी रहते हैं साइंस में, ऐसे ही 8th में भी रहते हैं, ऐसे ही 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, BSc MSc सब में है। अगर मैं सारे चैप्टर्स को इकट्ठा कर दूं तब तो ये 100-200 लेसन हो गया कि नहीं, 100-200 चैप्टर हो गया एक सब्जेक्ट में, बोली हाँ या ना? अब आप कहेंगे हाँ सर, गलत, ये गलत है भैया, 100-200 लेसन नहीं है। अब आप हमारी बात ध्यान से समझिए, जब आप एडमिशन कराते हैं नर्सरी में तो 2-3 साल आपको अक्षर ज्ञान कराया जाता है, लिखने का आपके अंदर कला विकसित किया जाता है, क्योंकि एक्सप्रेशन को समझने का, दूसरे के विचारों को समझने का 3 ही माध्यम है, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, समझ पा रहे हैं? तो ये 3 आपके अंदर सबसे पहले डेवलप किया जाता है। फिर आप 3rd में जाते हैं, तो जब 3rd में जाते हैं, जब आप नंबर से जान जाते हैं, तब आपको फिर एडवांस लेवल की चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, LCM हो गया, HCF हो गया, रूट हो गया, ये सब सिखाया जाता है आपको, फ्रैक्शन हो गया, ये सब आपको सिखाया जाता है। फिर जब आप और आगे जाते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर बच्चा 3rd में है, 4th में गया, तो उसका जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ, थोड़ा सा एडवांस सिलेबस हुआ, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर 4th से 5th में गया, फिर उसको और मेहनत की ज़रूरत है। 3 ऐसे स्टेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको थोड़ा सा नहीं, एकाएक बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वो नहीं कर पाए तो वहीं से आपका ग्राफ डाउन होना चालू हो जाता है। वो 3 स्टेज कौन कौन सा है जो विद्यार्थियों के जीवन में किस्मत बदल देते हैं, समझिए कौन कौन सा है। एक है प्यारे बच्चों क्लास 6, और दूसरा है क्लास 9, और तीसरा है क्लास 11। ये 3 क्लास ऐसे हैं जहां पे हर बच्चे को सुधरने का मौका मिलता है, 6th, 9th और 11th। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, 5th में क्यों नहीं, 7th में क्यों नहीं, 8th में क्यों नहीं? तो बता रहा हूँ इसका रीजन।
प्यारे बच्चों, साइंस के तीन स्ट्रीम हैं मेजर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब अभी हमने जिक्र किया था कि क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स को इकट्ठा कर दीजिए तो 100-200 लेसन बनेंगे। बोलिए हाँ या ना, बनेंगे। लेकिन क्या हकीकत में 100-200 लेसन है? नहीं, ऐसा नहीं है। हकीकत इसके पीछे क्या है प्यारे बच्चों, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, उसके कुछ मेजर डिपार्टमेंट हैं। जैसे हर चीज़ में आप देखते होंगे डिपार्टमेंट होता है, तो वैसे ही फिजिक्स के कुछ मेजर डिपार्टमेंट हैं, या आप कह सकते हैं चैप्टर्स हैं, मेजर चैप्टर्स हैं। जैसे साइंस को हमने तीन मेजर पार्ट में बांट दिया है, ऐसे फिजिक्स को भी हम, भौतिक विज्ञान को भी हम कुछ मेजर पार्ट में बांट सकते हैं, केमिस्ट्री को भी कुछ मेजर पार्ट में बांट सकते हैं, बायोलॉजी को भी कुछ मेजर पार्ट में बांट सकते हैं। और ये लिमिटेड है प्यारे बच्चों, अनलिमिटेड नहीं है। अब जैसे फिजिक्स की हम अगर चर्चा करें तो फिजिक्स के जो मेजर पार्ट हैं वो है मैकेनिक्स है, हीट है, लाइट है, वेव है, इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है। अब जो बच्चे छोटे क्लास में हैं हो सकता है ना समझ पाए, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे सबसे परिचित होते जाएंगे। तो फिजिक्स के ये मेजर पार्ट है, मेजर डिपार्टमेंट हैं। अब अगर बच्चा क्लास सिक्स में है, ध्यान से समझिएगा, अगर बच्चा क्लास सिक्स में है तो जो उसके चैप्टर्स डिसाइड होंगे वो इसी में से कुछ ना कुछ उठाए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं फिजिक्स के आठ पार्ट जो देख रहे हैं, इस आठों पार्ट के कोई ना कोई लेसन बनाकर पहले इन आठों पार्टों के कुछ लेसन डिवाइड किए जाएंगे। जैसे मैकेनिक्स को कुछ लेसन में बांट दिया जाएगा, लाइट को कुछ लेसन में बांट दिया जाएगा, हीट को कुछ लेसन में बांट दिया जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं नहीं? तो वैसे ही जैसे मान लेते हैं सबके जो है पांच पांच लेसन बट गए, ध्यान से समझिएगा, पांच पांच लेसन हर पार्ट के बट गए तो कितना हो गया, 8×5=40 चैप्टर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, केवल किस में, फिजिक्स में। तो ये करेंगे क्या, जैसे कुछ चीज़ें जो है सिक्स में डाल दिए, कुछ सेवन्थ में और कुछ एट्थ में। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का जो 40 चैप्टर आप देखिए, एक एक पार्ट में पांच पांच लेसन, ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये इसमें से कुछ सिक्स में डाल देंगे, कुछ सेवन्थ में और कुछ एट्थ में। ऐसे ही जो केमिस्ट्री के मेजर पार्ट हैं, जैसे केमिस्ट्री किसका साइंस है प्यारे बच्चों, मैटर का साइंस है, मैटर के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। तो इसमें जैसे पहला इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें स्टेट ऑफ मैटर का जिक्र होता है, इसके बाद फॉर्म्स ऑफ मैटर हो गया, प्योर इम्प्योर मिक्सचर इसमें आ गया, फिर क्लासिफिकेशन आ जाता है, मैटर बना किससे है, एटम से, मॉलिक्यूल से, फिर इसका जो है नेचर स्टडी किया जाता है कि मैटर का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, मेटल, नॉन मेटल, फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज का स्टडी होता है, फिर इसके बाद मैटर बनते कैसे हैं और इसके लिए जो है रिएक्शन वगैरह का स्टडी होता है। तो केमिस्ट्री के मेजर इतने ही पार्ट हैं। अब मैं आपको एक कड़वा सत्य बताने जा रहा हूँ, चाहे आप क्लास सिक्स सेवन एट्थ में देख लीजिए और चाहे नाइन्थ टेंथ में देख लीजिए, चाहे इलेवंथ ट्वेल्थ में देख लीजिए, चाहे बीएससी में देख लीजिए, चाहे एमएससी में और चाहे पीएचडी में देख लीजिए, फिजिक्स के जितना पार्ट हमने लिखा है सब में यही मिलेगा आपको। अगर कोई बीएससी में है तो इसके अलावा कुछ बाहर से नहीं है, बस यही है कि एडवांस लेवल का हो जाता है और विस्तृत रूप ले लेता है, बहुत सारे चीज़ों से कनेक्ट कर दिया जाता है इसे, लेकिन मूल ढांचा यही है इसका। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसे ही चाहे आप पीएचडी कर लीजिए केमिस्ट्री से, पढ़ना बस इतना ही है, ये हमने थीम लिख दिया है इसका। और ऐसे ही क्या है बायोलॉजी में भी है। तो तीन मौका देता है किस्मत, जब कोई भी कमज़ोर बच्चा टॉपर बन सकता है, बस वही मौका आपको गंवाना नहीं है। तो हमने कहा अभी एक है सिक्स सेवन्थ एट्थ, एक ग्रुप ये हो गया, तो इसमें से जितने भी लेसन बने कुछ सिक्स में डाल देंगे, कुछ सेवन्थ में, कुछ एट्थ में। ऐसे ही केमिस्ट्री का भी कुछ लेसन सिक्स में, कुछ सेवन्थ में, कुछ एट्थ में, ऐसे ही बायोलॉजी का। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जितना पार्ट हमने फिजिक्स का लिखा है, केमिस्ट्री का लिखा है, बायोलॉजी का लिखा है, ये सभी
ये सब के सब अगर मैं 6th, 7th, 8th के सारे चैप्टर्स इकट्ठा कर दूं तो सब इसमें आपको दिखेंगे। तो एक चरण ये हो गया आपका, एक स्टेप ये हो गया कि आपके सारे सब्जेक्ट का निचोड़ कहाँ है प्यारे बच्चों, 6th, 7th, 8th में। फिर इसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट होता है। दूसरा चरण कौन सा है? 9th और 10th का। एक तो 6th, 7th, 8th का हो गया और दूसरा है प्यारे बच्चों 9th और 10th का। और तीसरा है 11th और 12th का। अब ध्यान से समझिए। अब जैसे सपोज करिए आप हमसे कहिए कि सर आप बताए, हमारे पास कुछ दिमाग हुआ, कुछ हमारी आँख खुली, लेकिन अब समस्या ये है कि मैं 6th या 7th या 8th में लापरवाही कर दिया और सब चौपट कर दिया, अब क्या करूं? क्या अब हमारा उद्धार हो सकता है कि नहीं? तो ये हमारी लाइन अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि जैसे भी हमने बताया कि जो 6th, 7th, 8th क्लास का स्टेप है उसमें ये पूरा का पूरा कम फॉर्मेट में, बहुत ज़्यादा नहीं, कम फॉर्मेट में ये सारे लेसन आपको पढ़ा दिए गए। अब फिर से मतलब जितने लेसन हमने लिखा है, अब ये मान के चला जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता, अब फिर से स्टार्टिंग होगी। मतलब ये जितने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चैप्टर्स आपको दिख रहे, पार्ट आपको दिख रहे हैं, इनकी न्यू स्टार्टिंग होगी किस क्लास में? क्लास 9th में। अब क्लास 9th का जो सिलेबस होगा, 10th का जो सिलेबस होगा, उसका 6th, 7th, 8th थे कोई वास्ता नहीं है, एकदम नए सिरे से पढ़ाई स्टार्ट होगी। मतलब ये सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट होगी नए सिरे से। अब बच्चा जब क्लास 10th पास कर लेगा, अब 11th से उसके आगे की कहानी नहीं स्टार्ट होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही क्लास 8th के बाद 9th में उसके आगे की कहानी नहीं स्टार्ट होती है, बल्कि फिर से शुरू होती है कहानी इन तीनों सब्जेक्ट की। वैसे ही 10th पास करने के बाद 11th में उसके आगे की कहानी नहीं होगी, बल्कि ये जो चैप्टर्स लिखे हैं फिर से रीस्टार्ट होंगे, फिर से चालू होंगे नए सिरे से। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने कहा कि अगर एक एक में 5-5 चैप्टर बांट दिया जाए, कितने चैप्टर हो गए? 40 चैप्टर। तो ये 40 चैप्टर एक बार आपको 6th, 7th, 8th को कंबाइंड कर दीजिए तो उसमें दिखेंगे, एक बार 9th और 10th को कंबाइंड कर दीजिए तो उसमें दिखेंगे, और एक बार 11th और 12th को कंबाइंड कर दीजिए तो इसमें दिखेंगे। बस अंतर ये है प्यारे बच्चों कि जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका IQ लेवल बढ़ता जाता है, और इस तरीके से जो इनके डिटेल की चीज़ें हैं, अब जैसे जो 6th, 7th, 8th में ये सारे चैप्टर रखे गए तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के फॉर्म में रखे गए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जाया गया, लेकिन जब यही लेसन आपको 9th, 10th में मिलेंगे तो थोड़ा डीप में ले जाया जाएगा, और जब आप 11th, 12th में पहुँचेंगे यही सब सारी चीज़ें फिर मिलेंगी आपको तो और डीप में ले जाया जाएगा। कहने का BSc में जाएंगे और डीप, MSc में जाएंगे और डीप, PhD में जाएंगे तो और डीप। मतलब जैसे जैसे आप इंक्रीज होते जाएंगे, आपका IQ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सिलेबस में कठिन चीज़ें इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अब आप समझने लायक हो गए हैं। तो हमारी बात ध्यान से समझिए, एक बार आपको चांस मिलता है क्लास 6 में। अब ये जो 40 चैप्टर हमने बताया आपको, अब इसमें से जैसे सपोज करिए मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर जो आसान चैप्टर हैं, मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, और हीट के एक आध दो लेसन, लाइट के एक आध दो लेसन, मतलब ऐसे मिला जुला के 6th में रख दिया गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसके आगे की कहानी, अभी तो ये पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, तो इन सबको कहाँ रखेंगे? इन सबको 7th में रख दिए। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जब क्लास 6 में एक बार स्टार्टिंग हुई तो आपने 6 में पढ़ाई किया, अब 7th की जो पढ़ाई है उसके आगे की कहानी है, और 8th की जो पढ़ाई है वो 7th के आगे की कहानी है, और 8th के बाद स्टॉप, मतलब जो सीक्वेंस चल रहा था वो यहाँ पे रुक जाएगा। एक बार 6 से स्टार्ट हुआ,
और एर्थ पे जाके रुक गया, फिर नाइन्थ से दूसरे सिरे से मतलब यही चीज़ रीस्टार्ट होगी, फिर से वही चीज़ स्टार्ट होगी नए सिरे से, और फिर टेंथ पे जाके रुक जाएगी, फिर इलेवंथ से स्टार्ट होगी ट्वेल्थ पे रुकेगी, फिर बीएससी में स्टार्ट होगी, फिर लास्ट तक जाते जाते फिर रुकेगी। मतलब यही चीज़ें साइक्लिक फॉर्म में आपके सामने चलाया जाएगा। अब समस्या कहाँ होती है, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज करिए कोई बच्चा फिफ्थ से सिक्स में गया, तो जब सिक्स में गया, जब चीज़ें स्टार्ट हुई, तो उसने लापरवाही कर दिया, वो समझा नहीं। अब आप हमें बताइए, अगर हीट का मान लेते हैं पांच लेसन है, और जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था वो सिक्स में डाल दिया गया था, बाकी लेसन सेवन एट्थ में डाल दिए गए थे, अब बताइए हीट का जो लेसन सिक्स में है, अगर उसने लापरवाही कर दिया, नहीं समझा, तो बताइए जो सेवन्थ और एट्थ में हीट के पार्ट हैं वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अब आप कहेंगे नहीं आएगा। तो यही लापरवाही आपकी तरफ से होती है, ध्यान से समझिए। ये हमारी बात जो है सुन के बोरियत लग रही होगी, अगर बोरियत लग रही भैया तो ज़िंदगी बेकार है तुम लोगों की। तो एक बार अगर आपने सिक्स में स्टार्ट किया, लापरवाही कर दिया, तो सेवन्थ में आपके समझ में नहीं आएगा, और अगर सेवन्थ में नहीं आया तो एट्थ में भी नहीं आएगा। तो मतलब आपका एक साल, या अगर मान लीजिए सिक्स में आपने ये सीरीज स्टार्ट किया, ये एक सीरीज है, ये सीरीज आपने स्टार्ट किया, सेवन्थ में आपने लापरवाही कर दिया, बीच में गैप मार दिया भैया, तो आगे का कहाँ समझ में आएगा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिक्स में हैं या सेवन्थ में हैं, एट्थ में हैं, तो अलर्ट हो जाइए। अलर्ट कैसे होना है? सपोज करिए जैसे आप सेवन्थ में पढ़ रहे हैं मौके पर, और आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, और आपको अब होश आ गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया सर, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, अब जो हमारी गलती है सुधारना चाहता हूँ, अब क्या करूँ? तो भैया ध्यान से समझिए, ये जो सेवन्थ आप पढ़ रहे हैं इसको तो पढ़िए ही, और अगर आपने सिक्स में लापरवाही किया है तो जाहिर सी बात है 101% गारंटी है कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी। तो आपको करना क्या है, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, तो आप सेवन्थ का जो पढ़ रहे हैं ना, इसका रफ्तार थोड़ा स्लो कर दीजिए। इसका रफ्तार स्लो करने के बाद सिक्स वाला बुक उठाइए। भाई आपने चाहे जैसे पढ़ा हो, चाहे वैसे बिना किताब खोले ही साल भर बिताया हो, कुछ ना कुछ आपको चैप्टर्स के बारे में तो नाम ही चाहे पता हो, कुछ ना कुछ पता ज़रूर होगा। तो अब आपको पढ़ने में एक साल नहीं लगेगा, मतलब जब आप सिक्स पास कर लिए हैं, भले चाहे आप ढंग से पढ़े हो चाहे नहीं, लेकिन अब पूरी बुक ख़त्म करने में आपको एक साल नहीं लगेगा। अब मुश्किल से अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, एक महीने में पूरी बुक रिवाइज कर सकते हैं। तो आप करिए क्या, सेवन्थ की पढ़ाई अब जिस क्लास में आप हैं उसको थोड़ा स्लो करके पिछले क्लास वाला एक बार रिवाइज मार दीजिए, आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, जो आपकी कमजोरी है दूर हो जाएगी, टॉनिक आपको मिल जाएगा, और अब आप सेवन्थ की चीज़ें पढ़ेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। तो ये है आपका, अगर आप सिक्स सेवन एट्थ इन तीनों क्लास में से अगर किसी क्लास में हैं, तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सपोज करिए आप एट्थ पास कर चुके, नाइन्थ में गए, अब ध्यान से समझिए, अगर आप मिड में हैं, अगर आप नाइन्थ पास करके टेंथ में गए हैं, सिक्स पास करके सेवन्थ में, या सेवन्थ पास करके एट्थ में गए हैं, या इलेवन्थ पास करके ट्वेल्थ में गए हैं, तो भैया इसका एक ही उपाय है आपके पढ़ाई को सुधारने का, कि आप जो करंट पढ़ाई है उसको थोड़ा स्लो करके जो प्रीवियस क्लास की है एक बार रिवाइज मार दीजिए। तो जो रनिंग कैंडिडेट्स हैं ये उनके लिए सजेशन है। अब जो चेंज कर रहे हैं, मतलब चेंजिंग टर्मिनल पॉइंट पर जो है, टर्मिनल पॉइंट कौन कौन सा है, एट्थ पास करके नाइन्थ, हमने अभी कहा था ना आपको, किस्मत आपको तीन मौके देती है जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकदम से इतिहास बदल देते हैं। क्या क्या है, जब बच्चा एट्थ पास करके नाइन्थ में जाए, या टेंथ पास करके इलेवंथ में जाए, या फिफ्थ पास करके सिक्स में जाए, तीन मौके ऐसे हैं जिस पे अगर आप सुधर गए तो किस्मत आपकी चमकने से वो भी नहीं रोक सकता। ध्यान से समझिएगा, कौन कौन सा मौका, अगर आप फिफ्थ पास करके सिक्स में गए, या एट्थ पास करके नाइन्थ में, या टेंथ पास करके इलेवंथ में, ये तीन टर्मिनल पॉइंट आपके लिए ऐसे हैं जहां से ये साइंस की या किसी भी सब्जेक्ट की सीरीज एक बार पुनः स्टार्ट होती है। मतलब अगर आप पिछला भूल गए हैं, लापरवाही कर दिए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अब भी अगर होश में आ गए
तो एकदम नए सिरे से पढ़ाई करिए और सब्जेक्ट में महारथी बन जाइए। तो देखिए कौन कौन सा है, अगर आप 8th पास करके 9th में गए और आपने 6th में लापरवाही कर दिया, 7th में लापरवाही कर दिया, 8th में लापरवाही कर दिया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए, मैं आपकी एक एक कमजोरियाँ दूर करूँगा और आपको जिस सब्जेक्ट से नफरत है उसी में टॉपर बनाऊँगा भैया आपको, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप 8th पास करके 9th में गए तो 6th, 7th, 8th की पढ़ाई से अब कोई लेना देना नहीं है, एक बार नए सिरे से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। अब से आप स्टार्ट करिए पढ़ना और अब से जो है चीज़ों को समझना स्टार्ट करिए। अगर आपको फिजिक्स के बारे में नहीं पता, केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब स्टार्ट करिए समझना। मैं आपको भैया एकदम बेसिक से समझाऊँगा। अगर आप 10th पास करके 11th में गए और इन सारे क्लासेज में आपने लापरवाही कर दिया और आपको सब्जेक्ट से नफरत हो गई है, भाई इतना तो आपको पता ही होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ढंग से आता है, कौन सा नहीं आता है, कौन सा बुक देखते ही चक्कर आने लगता है और कौन सा बुक देखते ही पढ़ने का मन करता है, ये तो आपको अच्छी तरह पता होगा, ये मुझे बताना ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जिस भी सब्जेक्ट से आपको घबराहट होती है, अगर आप इन 3 क्लासेज में जा रहे हैं, 5th से 6th में जा रहे हैं या 8th से 9th में जा रहे हैं या 10th से 11th में जा रहे हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। कौन सा चांस है प्यारे बच्चों? गोल्डन चांस है जिसमें आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। कारण ये है कि हर सब्जेक्ट की स्टार्टिंग, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कुछ भी हो, मैथ छोड़कर, मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, साइंस की बात कर रहे हैं, मैथ की नहीं, क्योंकि मैथ में जो है भैया 9th, 10th में आपको LCM, SCF नहीं पढ़ाया जाएगा, उसका एक क्लास है, फिक्स है वो, यहाँ साइंस की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप इन 3 टर्मिनल कंडीशन में हैं, इन 3 क्लासों में गए हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। अब हर सब्जेक्ट आपके लिए एकदम शुरुआत से स्टार्ट होगा और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दिए तो उस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ हो सकती है, उस सब्जेक्ट के आप ज्ञाता हो सकते हैं, क्लास के टॉपर हो सकते हैं। तो स्ट्रेटजी आपके समझ में आ गई अच्छे से कि नहीं, और कहाँ दिक्कत होती है ये भी आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर आप 9th में गए हैं और आपने 9th में गड़बड़ी कर दिया, मतलब जब सब्जेक्ट की स्टार्टिंग हुई तो आप इंट्रोडक्शन ही छोड़ दिए, तो आगे जब उसका एप्लीकेशन चलेगा, मतलब 9th से 10th में पहुंचेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। 6th आपने गंवा दिया तो 7th में पल्ले नहीं पड़ेगा, 11th आपने गंवा दिया तो 12th में पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए अभी हमने बताया था कि जो इन सब क्लासेज में गए हैं उनका क्या उपाय है, उसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब जो नए सिरे से पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, मतलब क्लास 6, बस 3 क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11th, अगर ये 3 क्लास के बच्चे मुझे मिल गए तो आप चाहे कुछ भी ना पढ़े हों पहले, आप नाम ना सुने हों, ये जान लीजिए अगर आप 11th में हैं तो 2 साल मुझे दीजिए, अगर आप 9th में हैं तो 2 साल मुझे दीजिए, उस सब्जेक्ट में एक बढ़िया डीप नॉलेज आपको मिलेगा और इंटरेस्ट जाग जाएगा और धीरे धीरे उसमें आप महारथी होते जाएंगे। और रही बात एग्ज़ाम की, तो जितने टेस्ट होंगे, जितने एग्ज़ाम होंगे, नंबर 1 रैंक आपका रहेगा, ये हमारी गारंटी है भैया, समझ पा रहे हैं। तो ये वीडियो हमारा किस लिए था? ये वीडियो हमारा इसलिए था क्योंकि आप जो इसके पीछे का साइकोलॉजी है, जो इसके पीछे का रहस्य है कि पढ़ाई कैसे किया जाए और कब कब करना चाहिए। अब जैसे कोई बच्चा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा 6 ढंग से नहीं पढ़ा, 7th में चाहे जितना मेहनत कर डाले, वो मुकाम हासिल नहीं हो सकता है। आप मेरी चाहे जो वीडियो देखेंगे, चाहे जिस सब्जेक्ट का, मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसको आसान से आसान भाषा में रूपांतरित कर दिया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, जिससे जो बच्चा उस सब्जेक्ट से नफरत करता हो वो भी देखे और खुश हो कि अरे ये तो मुझे समझ में आ रहा है, अब तो मैं इसे पढ़ूँगा। और अगर यही अगर आपके अंदर इंटरेस्ट जाग गया भैया, तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप 3 क्लास में जा रहे हैं, क्लास 6 में, क्लास 9th में और क्लास 11th में, तो आप लोगों के लिए हम कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें हम करेंगे क्या,
कि जैसे अभी हमने कहा कि ये जितने भी पार्ट हैं साइंस के, ये एक बार 6, 7, 8 में चलाए गए, फिर एक बार 9, 10 में, एक बार 11, 12 में। अब इसमें अंतर क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को रखा गया, इसमें थोड़ा और एडवांस चीज़ें, इसमें थोड़ा और एडवांस चीज़ें। हम करते क्या हैं प्यारे बच्चों, अब जैसे आप अगर 9th में गए और आप 6, 7, 8 में ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए थे, आपको हर चीज़ें याद नहीं है, तो मैं करता क्या हूँ, कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक बार क्लास से, मतलब उसकी जहाँ से स्टार्टिंग होती है, जीरो से स्टार्ट करता हूँ। मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी जो हमने कहा था ना क्विक रिवीजन, पहले उसको क्विक रिवीजन करके तब मुद्दे पर आता हूं। और हमारी यही तरीके से जो बच्चा पढ़ता है प्यारे बच्चों, वो जो है अच्छा नंबर पाता है एग्ज़ाम में। कई बच्चे पढ़ चुके हैं, जानते हैं। और आपके लिए जल्द ही मैं कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, बहुत ही कम शुल्क में, जिसमें आपको टॉपर बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।